अररिया के फारबिसगंज ब्लॉक में तैनात आशा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांग को लेकर 8 पंचायतों की आशा कार्यकर्ता एकजुट हो गई हैं। इन लोगों ने मधुबनी मिडिल स्कूल में बैठक कर हक के लिए दो दो हाथ करने का ऐलान कर दिया है। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय उन्हें नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आर्थिक परेशानियों का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले 15 माह से प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है, जबकि ये लोग टीकाकरण से लेकर स्वास्थ्य संबंधी कार्य इन लोगों से लगातार लिया जा रहा है। आइए जानते हैं इन लोगों को और क्या परेशानी है। 2006 से कर रहे हैं, हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था सर, तो हम लोग ने एक धरना जो हड़ताल किए थे। हम लोग का मतलब प्रोत्साहन का राशि में रूप में पैसा मिल रहा है, मानदेय रूप में अभी तक नहीं दिए है पैसा। तो हम लोग को चाह रहे हैं कि हम लोग ये किए हैं, एक डिलीवरी कराते थे 600 रुपया मिलता था, अब एक डिलीवरी कराते हैं हम लोग को 300 रुपया मिलता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को पैसा कहीं जाए सर, हम लोग को मानदेय के रूप में पैसा दिया जाए, प्रोत्साहन का राशि के रूप में पैसा नहीं दिया जाए। वो भी जो भी मिलता है वो भी पैसा 15 महीने से बंद। 12 बजे रात में अगर डिलीवरी होता है, फोन करता है पेशेंट, तो उसको ले जाते हैं, एम्बुलेंस भी बुलाते हैं, टेम्पो पर भी ले जाते हैं, जैसे होता है ले जाते हैं। वहाँ पर पेशेंट फोन भी नहीं उठाता है एम्बुलेंस वाला, अगर कभी उठा लिया तो जाता है, कभी कभी नहीं भी जाता, तो जैसे होता है जैसे तैसे ले जाते हैं। अपना बच्चा को छोड़ के घर से सबको छोड़ छाड़ के जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो न बैठने का आशा का बैठने का भी व्यवस्था नहीं, कहाँ आशा बैठेगी। मच्छर कटा के भर रात रह के उसके बाद पेशेंट को डिलीवरी हुआ तो दीदी सब पैसा भी लेती है। दीदी सब सीधे बोलती है कि 1000 रुपया चाहिए पहला डिलीवरी का, दूसरा डिलीवरी का 500, 800, 900, ऐसे 1500-1500 रुपया लेती है। हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता है, देखते रह जाते हैं। पेशेंट का मुंह हो जाता है अपने, पेशेंट सब हल्ला करता है कि कौन चीज का पैसा ले रहा है, कहाँ का पैसा ले रहा है। दवाई भी लाना पड़ता है बाहर से 500 रुपया का, 450-500 रुपया का दवाई आता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम